बड़ा डिजाइन बनाए हुए हैं, इसको भी तेल में डाल के छान लेते हैं, तो रंग बिरंगी पूरी रहेगी तो खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से तोड़ के आप इस तरीके से खा सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे रंजना वेज फूड चैनल में। कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करेंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हुए हैं। आज हमारे यहाँ दोस्तों बहुत ही मजेदार जो है रेसिपी बनने वाली है। आज हम बनाने वाले हैं जो है बनाएंगे जो है शाही पनीर, और उसके साथ में जो है मैदा का बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची जो है पूरी। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा हम किस तरीके से बनाएंगे। शाही पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ एक पाव पनीर, और इसके साथ कुछ मसाला है जो कि दो प्याज है, हरी मिर्च है, टमाटर है, अदरक है, और इधर मैंने लिया हुआ लहसुन, तो लहसुन का हम छिलका उतार लेते हैं। अभी हम सबसे पहले जो है चूल्हा में आग जला लेते हैं। आग हमने जला ली है, चूल्हे पर रख लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डाल लेते हैं तेल। तेल हो गया है गरम, इसमें मैं डाल देती हूँ जीरा, बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, कभी खड़ा मसाला हम तेल में डाल देते हैं, अदरक, हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने तीन टमाटर लिए, इनको काट लिए हुए हैं और इनको भी डाल देते हैं। सभी कच्चा मसाला हम भून रहे हैं। मैंने देखिए हल्का सा जो है पका लिया हुआ, अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो इन मसालों के साथ साथ मैंने यहाँ पर खड़ा गरम मसाला लिया हुआ है, और देखिए मैंने लिया हुआ है काजू और साबुत धनिया। तो इन सभी चीजों को एक में मिला करके हम पीसेंगे। तो पहले हम सिलबट्टा धुल के कर लेते हैं साफ। अभी हमारा पूरा मसाला हो गया, देखिए पीस करके तैयार, मैंने पीस के बढ़िया से तैयार कर दिया। अब यहाँ पर हम पनीर काट लेते हैं। पनीर का इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा जो है हम रखेंगे। दोबारा से हमने कढ़ाई रख दिया हुआ है चूल्हा पर, तेल डाल लिया हुआ है, तेल गरम हो गया है, पनीर को तेल में डाल के फ्राई कर लेते हैं। पनीर को तेल में डाल के हल्का से जो है फ्राई कर लिया हुआ है, अब इनको निकाल लेते हैं। तेल हो गया है गरम, इसमें मैं प्याज का तड़का लगा देती हूँ। तड़का हमने पका लिया हुआ, अब हम इसमें डाल देते हैं पीसा हुआ पूरा मसाला। अब हम इसमें ऊपर से मिला लेते हैं हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डाल लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे दही। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला को हम पकाएंगे बढ़िया से। 3 से 4 मिनट तक मैंने मसाला अच्छे से पकाया हुआ है, बहुत बढ़िया से मसाला हमारा पक चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पनीर। पनीर डाल करके मसाला में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। सब कुछ मैंने डाल दिया हुआ है, अब इसको जो है हम अच्छे से पका लेते हैं। अब हम बनाएंगे पूड़ी। तो पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ मैदा, और इसमें मिला लेते हैं थोड़ा सा सूजी, थोड़ा सा डाल देते हैं नमक, और अब हम इसमें मिला लेते हैं रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल डाल करके हम मोवा कर लेते हैं, जिससे हमारी पूड़ी जो है एकदम खस्ता और करारी बने। पनीर हमारे बहुत ही बढ़िया जो है उबाल आ रहा है, बहुत बड़े बड़े छोटे से बन रहे हैं। मोवा मैंने अच्छे से कर लिया, देखिए बांधे पर लड्डू की तरह बन रहा है। तो अब हम इसमें पानी डाल करके आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। इसमें तो एकदम सॉफ्ट मैंने आटा गूंथ के कर दिया हुआ है तैयार। तो पनीर हमारा पक चुका है, अब हम ऊपर से डाल देते हैं हरी धनिया की पत्ती। अब इसी टाइम पर हम जो है कढ़ाई उतार लेते हैं चूल्हा से नीचे। बहुत ही बढ़िया जो है हमारा पनीर बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ चुकंदर, चुकंदर को मैंने आधा काट के और छील के ले लिया हुआ, जिसको भी हम कद्दूकस करेंगे।
कद्दूकस करने के बाद लेकर आ गए सिलबट्टे के पास, इसको हम पीस लेते हैं। अब हम पूरी बनाना शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा आटा लेकर के लोई बना लेते हैं छोटा छोटा। अब हम पूरी बेलना शुरू करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी हम पूरी बनाएंगे। यहाँ पर चार पूरी हमने बेल के रख लिया हुआ है। इधर देखिए इतना मैंने जो है चुकंदर का रस निकाल लिया हुआ था, अभी से यही इसको कलर करेंगे इस तरीके से। एक पूरी में मैंने कलर कर दिया, तो दूसरे वाले पूरी में भी देखिए हम जो है कलर कर ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने तीन पूरी में जो है डिजाइन बना लिया हुआ है। चलिए इनको तेल में डाल करके छानते हैं। तो पूरी हमारी देखिए फूल के जो है ऊपर आ गई है। तो रंग बिरंगी कितना देखने में अच्छी लग रही है पूरी। अभी मैंने तीन ही पूरी बनाया हुआ है। पूरी हमने पका लिया हुआ है, इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारी जो है पूरी बनी हुई है, रंग बिरंगी और फूली फूली सी हमारी पूरियाँ बनी हुई हैं। तो ऐसे ही हम एक एक करके पूरी बनाएंगे और तेल में डाल करके छानेंगे। अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो पूरी देखने में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अभी देखिए आप चल रहे हैं इसमें जो है दूसरा डिजाइन बनाए, तो आप इसको जो है आप अपने पसंद के हिसाब इसमें डिजाइन बना सकते हैं। तो दूसरा डिजाइन बनाए हुए हैं, इसको भी तेल में डाल के छान लेते हैं। तो आप लोग जिस तरीके से चाहे उस तरीके से जो है कलर कर सकते हैं, रंग बिरंगी जो है पूरी बना सकते हैं। तो रंग बिरंगी पूरी रहेगी तो खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कोई केमिकल नहीं डाले हुए दोस्तों, देखिए चुकंदर से ही इतना बढ़िया जो है डिजाइन बनाए हुए हैं। तो आप लोग दोस्तों इस तरीके से बनाएंगे तो आप लोग के बच्चे जो है पूरी बहुत ही अच्छे से खाएंगे। पूरा खाना हमारा बनके हो गया तैयार, तो अब हम खाना को थाली में परोस लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं जो है शाही पनीर। तो अब मैंने देखिए यहाँ पर परोस लिया हुआ है रंग बिरंगी और खस्ता और कढ़ाई हमारी देखिए पूरी। तो पूरा खाना मैंने थाली में परोस लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए शाही पनीर निकाला हुआ है और बगल में देखिए मैंने पूरी निकाला हुआ है। तो पूरी हमारी बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम बनी हुई है, देखिए खस्ता और कढ़ाई बनी हुई है देखिए। तो आप इसे जो है शाही पनीर के साथ खाएंगे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरीके से तोड़ के आप इस तरीके से खा सकते हैं।
तो आज का सुबह का खाना हमारा बनके तैयार है। आज मैंने शाही पनीर बनाया, उसके साथ में रंग बिरंगी देखिए पूरी बनाए हुए एकदम खस्ता है। इसको अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे नहीं खाते होंगे तो वो भी बहुत ही अच्छे से खाएंगे पूरी। तो इसमें मैंने कोई केमिकल नहीं डाला हुआ है, जो है चुकंदर से ही इतना बढ़िया जो है कलर लगाया हुआ है। ये हमारी सेहत के लिए फायदेमंद भी होता है, नुकसानदायक नहीं है। बच्चों का मनपसंद पूरी आप लोग इस तरीके से बनाइए। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।